इंडियन क्रिकेट में आज विराट कोहली सुपरस्टार बन चुके हैं। विराट कोहली ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड कप के किंग है। किंग कोहली का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उनके आस पास तक कोई नहीं है। इसी विराट कोहली को एक वक्त था जब वो कुछ मैचों में फ्लॉप रहे तो उन्हें टीम इंडिया से ड्रॉप करने की बात तक हुई थी। तब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इंडियन क्रिकेट टीम के इस स्टार प्लेयर को ड्रॉप करने को कहा तो कैप्टन माही ने ऐसा जवाब दिया, वहां पास में बैठे पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हैरान रह गए। कोहली के ड्रॉप करने को लेकर धोनी के जवाब का किस्सा खुद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर ने सुनाया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर अकमल ने 11 साल पुराना एक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे धोनी अपने प्लेयर्स को बैक करते थे। विकेटकीपर बैट्समैन रहे कामरान अकमल ने पाकिस्तानी टीम के 2012 से 2013 के इंडिया टूर का एक किस्सा सुनाया, जिसमें एक प्रोग्राम हारना मना है में कहा कि मैं 2013 में एमएस धोनी के साथ डिनर कर रहा था। शोएब मलिक, युवराज सिंह और सुरेश रैना भी मौजूद थे। कोहली इसी तरह के फेज से गुजर रहे थे, तभी इंडियन टीम के मैनेजर धोनी के पास आए और उन्होंने कोहली को लास्ट वनडे से ड्रॉप करने की बात कही। इस पर धोनी ने जवाब देते हुए कहा कि मैं 6 महीने से घर नहीं गया, क्यों आप मेरा भी टिकट विराट कोहली के साथ बुक कर देंगे? फिर मैनेजर ने धोनी से कहा कि आप जिसे चाहे उसे खिलाएं। धोनी का ये जवाब सुनकर मैं पूरी तरह सरप्राइज हो गया। धोनी ने मैनेजर से आगे कहा कि विराट हमारा बेस्ट बल्लेबाज है, अगर वो 3 से 4 मैच फेल हो जाता है तो हम उसे ड्रॉप क्यों करते। उमर अकमल के इस खुलासे को लेकर धोनी पर क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।